एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण देने के लिए शिकागो सायकाल के समय वह भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय वह एक पुल से गुजर रहे थे कि उनकी नजर कुछ युवकों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह पुल पर खड़े होकर नदी में तैरते हुए अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनमें से किसी भी युवक का निशाना सही से अंडे के छिलकों पर नहीं लग रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए और उनसे निशाना लगाने के लिए बंदूक मांगी और निशाना लगाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पहला निशाना लगाया और उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। उन्होंने लगातार एक के बाद एक 12 निशाने बिल्कुल सटीक लगाए। युवकों ने अचंभित होते हुए पूछा कि क्या आप निशानेबाज हैं? सभी युवक अलग अलग सवाल करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मैं कोई निशानेबाज नहीं हूं, अपितु यह सब ध्यान का खेल है। तो युवकों ने दोबारा सवाल किया कि आपने ध्यान कैसे लगाया? स्वामी विवेकानंद जी का जवाब था कि अगर आप किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो उस कार्य में आपको तन और मन दोनों उचित तरह से लगाना पड़ता है, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप अपने तन और मन को उस लक्ष्य में लगा देते हैं जो आप पाना चाहते हैं तो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन आज भी दुनिया के बहुत से लोगों को कामयाब बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य का जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। मनुष्य के जीवन का मकसद लक्ष्य को पहचान कर उसे प्राप्त करना है, तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है। विवेकानंद जी का मानना है कि अगर किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह व्यक्ति एक जीती जागती लाश है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का लक्ष्य ऐसे युवाओं को तैयार करना था जिनका शरीर लोहे का, मांसपेशियां फौलादी, दिल में शेर का साहस हो, मन में श्रद्धा और पवित्रता की आग हो, जिनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और दीन दुखियों के प्रति करुणा हो। तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर आपका फोकस ही नहीं होगा तो निश्चय ही आपको वह सफलता मिलनी आसान नहीं होगी। जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी फ़ोन में बात करते हुए 2 मिनट के लिए आपका ध्यान चलने से हट जाता है तो आप ठोकर खा जाते हो या लड़खड़ा जाते हो। तो ये तो ज़िंदगी की रेस है। जो भी लक्ष्य आपने चुना है, जिस वैल्यू तुम जानते हो कि आगे जाके आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है उस लक्ष्य को पाके, और जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन अगर आ जाए तो कठिनाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का सार बता रहे थे, जब अर्जुन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था, वो महाबली अर्जुन जो बिना देखे 100 गज की दूरी में भी निशाना दाग देता था, अपना गांडीव रथ के कोने में फेंक दिया और दुख विलास से रोने लगा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, अपनों को ही मारने चला हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इतना मोटिवेट किया अर्जुन को, कभी डांट कर कभी प्यार से उसे उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया। उसे याद दिलाया कि कैसे तूने घूमती मछली की आँख फेंदी थी, कैसे तूने बड़े बड़े पराक्रम किए हैं। आज तेरा लक्ष्य तेरे सामने है तो तू कायरों की तरह बिहेव कर रहा है। भूल गया तू कैसे द्रौपदी की भरी सभा में इज्जत उछाली थी, वस्त्र उतारे गए थे, छल कपट से तुम्हें बेघर कर दिया गया, सुई की नोक तक के बराबर तुम्हें जगह नहीं दी गई। तो यहाँ श्री कृष्ण ने एक ही बात पर इतना जोर दिया कि हे अर्जुन, ये कहा मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या है, फोकस कर जो तेरा काम है, अपने लक्ष्य से मत भटक, सबकी नजर तुझ पे है, अगर तू ही ऐसे करेगा तो बाकियों का मनोबल कैसे बढ़ेगा। तो जिस भी व्यक्ति का फोकस अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही क्लियर है, उसकी मंजिल उससे ज्यादा दूर नहीं है। देखो यही समय है अपनी मंजिल को पाने का। अगर आप 20-22 साल के युवक हैं या युविका हैं तो आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है जिसमें आपको फोकस करके 2-3 साल खर्चने पड़ेंगे और पूरी जिंदगी फिर आपकी है। तो लास्ट में 2 बड़ी प्यारी लाइन विवेकानंद जी की कहना चाहूंगा कि लक्ष्य एक है, रास्ते अनेक हैं, लेकिन जिस रास्ते को चुनकर अपनी मंजिल को हासिल करोगे वो इकलौते आप एक हैं। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो आपको काफी पसंद आया है। आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा, अगली वीडियो किस प्रकार की देखना चाहेंगे और किस टॉपिक पर, जरूर बता के जाना। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज, जिंदगी बदलाव से संबंधित हाई पावर मोटिवेशनल वीडियो व प्रेरणादायी बातें और महान लोगों के अनमोल विचार सुनते रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।